वेलकम मेम्बर्स. सो टुडे वी स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका अकाउंटिंग से है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें मैंने आपके जो है आठ क्वेश्चन हैं जो आपके ओनली रेशोज से हैं. तो रेशोज़ के यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं आपके साथ साथ में डिस्कस करूँगी, और इसकी आपकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम से. तो प्लीज़ आप इसको सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर टाइप के रेशोज़ हैं, और रेशोज़ इतने डिफ़िकल्ट नहीं आता एग्ज़ाम में. बट हाँ, उसका कंसेप्ट हम छोड़ नहीं सकते, रिस्क नहीं लेना है कि कौन सा कैसे आ सकता है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन 1 है. ये है आपका यहाँ पे. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि A, B and C. ये बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, और यही हमेशा आया हुआ है. बट हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम सारे टाइप के करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, A, B and C है आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 3, 6, 2, 6 and 1 rates. तो रेशो क्या हो गई इनकी, 3, 2 and 1. ठीक है. देन डी एक एडमिट हुआ है एज अ पार्टनर, न्यू पार्टनर, और वो लेकर आया है अपने साथ 1/6 share. ठीक है. तो 1/6 share जब वो लेकर आया है, सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब यहाँ पे आपको पता है कि हम गेनिंग रेशो निकालते हैं और एक सेक्रीफाइजिंग रेशो होती है. सो जो गेनिंग रेशो है उसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड रेशो, और जब का सेक्रीफाइजिंग रेशो है उसका है फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू. बट यहाँ पे क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो हम कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है. आप इसको साथ साथ में रिकॉर्ड करते चलना, ठीक है. ये है आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको जस्ट क्या बताया है कि डी एडमिट हुआ और वो जस्ट अपने साथ लेकर आया 1/6 share. अब 1/6 share जो वो लेकर आए, कैसे करते हैं, जब भी आपका कभी भी सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि एक पार्टनर आ रहा है और वो अपने साथ 1/6 share लेकर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, एंड जितना भी वो शेयर लेकर आया उसको हम माइनस कर देते हैं 1 में से. आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 5/6 आ गया. अब जो 5/6 आया है रिमेनिंग शेयर, आपके पास कितना बचा, 5/6. अब क्या करना है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको इस रिमेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सो 3/6 इंटू 5/6 कर दिया, तो आंसर इज 5/12, एंड 2/6 इंटू 5/6 आंसर इज 5/18, देन 1/6 डिवाइड इंटू 5/6 आंसर इज 5/36. सो ये तो आपके तीनों जो ओल्ड पार्टनर थे उनका शेयर है, बट जो डी का शेयर है वो एक्चुअल में कितना था, 1/6 share था. तो अब हमने कुछ नहीं करना है, अब जस्ट हमने इनको LCM लेना है. सो 5/12, 5/18, 5/36 एंड 1/6. तो जब आपने इसको LCM लिया, तब आपका पास क्या आंसर आया है, ये आप देख लो ध्यान से, 5/12. जब हमने इनका क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर जो आपको सेम करना पड़ेगा. सेम करने के लिए क्या करना है, जो ये 12 है, ठीक है, 18 है एंड 36 है, और फिर 6 है. सो आपको इसको LCM लेना पड़ेगा. सो जब LCM हमने लिया, तो इसका आंसर आया 36 लास्ट में. एंड देन आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, 12 3 इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, और देन जो आंसर आया उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई. सो 12 को आप 36 से डिवाइड करो, 3 आया, एंड 3 × 5 = 15 आ गया ऊपर. ठीक है. ऐसे अगला देख लो, 18 को डिवाइड करोगे 36 से, सो आंसर इज 2, एंड 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 आएगा. ऐसे ही आपने आंसर किया, तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आई, 15, 10, 5 and 6. ये तो देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जो आता ही आता है रेशो में. ये तो फर्स्ट टाइप है, जो बहुत सिंपल टाइप का आ सकता है. अब सेकेंड इलस्ट्रेशन देख लो, यहाँ पे है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3. ठीक है. दे एडमिट सी विथ 1/5. अब ये ना आपका क्वेश्चन वो वाला है जिसमें वो जस्ट शेयर लेकर तो आ रहा है, बट यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड कर दी कि विच ही एक्वायर्स, जहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट बोला जाए ना कि एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, तो उस केस में क्या करना है. अब ये तो फर्स्ट टाइप का केस था, जब आपने डायरेक्टली, अगर आपको ये वाली लाइन ना लिखी होती ना, ये वाली जस्ट सिंपल लिखा होता, ये ना लिखा होता कि दे एडमिट सी विद 1/5 share, तो आप सिंपल करते 1 - 1/5, देन 4/5 आया, फिर 4/5 को आपने मल्टीप्लाई किया 5/8 से, जो आपकी ओल्ड थी, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया. बट इस केस में क्या है, इस केस में आपको ये ऐड कर दी लाइन कि विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी. तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ए का ओल्ड शेयर है 5/8 है. अब आपको पता है 5/8 हम क्यों बोल रहे हैं, 5:3 है, सो इसका क्या होगा, 5/8 और 3/8. ठीक है. देन अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इक्वली जो इक्वायर जहाँ पे आ जाए ना वर्ड, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली माइनस करना है ओल्ड प्रॉफिट, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से जितना ए का पार्ट था. सो 5/8 - 1/10 किया, सो आपके पास आंसर आया यहाँ पे 21/40. एंड उसके बाद बी के साथ भी सेम होगा, 3/8 - 1/10, तो इसका आ गया 11/40. ठीक है. ये तो आपका सिंपल केस हो गया, जहाँ पे आपका ए और बी का केस आ गया कि आपके पास ए का कितना है और बी का कितना है. सेकेंड जो है, अब सी का कितना, एक्चुअल में शेयर कितना था, 1/5.
ठीक है, बट उसने एक्वायर कितना किया है 110 फ्रॉम ए एंड 110 फ्रॉम बी. सो जैसे आपने ए और बी के करने के लिए माइनस किया, वैसे ही सी का निकालने के लिए एडिंग भी होगी. सो जो उनका जो 110 फ्रॉम ए एंड 110 फ्रॉम बी था, उसको आप ऐड कर लोगे तो वो आपका सी का शेयर आ जाएगा. फिर वही करना है जो हमने पहले किया था, एलसीएम लेना है, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, 40 है 40 है और 10 है, तो अब उनका सेम ले लिया तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 21:11:8. ठीक है, तो ये केस कौन सा था, याद रखना ये वाले पॉइंट जहाँ पे एक्वायर लिखा हो. तो जहाँ पे आपको एक्वायर पॉइंट लिखा हो वहाँ पे क्या करना है, जितना शेयर उन्होंने लिया है, ठीक है, ए से जितना उसने लिया है वो माइनस कर दो ए के पार्ट में से, और जितना बी में से लिया है उसमें से बी के पार्ट को माइनस कर दो. देन उसके बाद क्या करना है, और जो सी ने जितना जितना लिया है वो आप ऐड कर दो. तो ये आपका आ गया एक्वायर वाला केस. तो मैं आपको पहले से दिखा देती हूँ, जो पहले वाला केस था उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें जस्ट लिखा था डी वॉज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, वो लेके आया जस्ट 1/6. तो जब सिंपल ऐसा लिखा हो तो आपको 1 वाला यूज़ करना है फॉर्मूला, जहाँ से आपको 1 में से माइनस कर देना है वो केस, और 5/6 आ जाएगा. फिर 5/6 को मल्टीप्लाई करना है ओल्ड रेशो शेयर से, ए बी एंड सी से, तो वो उनका शेयर हो जाएगा, और डी का आपको ऑलरेडी दिया हुआ था. बट इस केस में क्या था, यहाँ पे आपको एक्वायर बोला हुआ था, तो जहाँ पे एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ है तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली माइनस करना है. अब सेकंड केस देखो, जो इसी का पार्ट है सेकंड, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:12 and 5:12. ठीक है, अब यहाँ तक सिंपल कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है आई थिंक. सो राम एंड श्याम है वो पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना शेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस 7:12 and 5:12. अब एडमिट हुआ है गोपी एज अ न्यू पार्टनर और उसका शेयर है 1/6. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ भी आगे नहीं बोला हुआ, अगर यहीं तक बोला होता तो आप सिंपल वही केस करते 1-1/6 वाला, बट आगे भी एक लाइन है उसको आप देख लो, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि उसने इक्वली लिया है फ्रॉम राम एंड श्याम से, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टली शेयर दिया होता ना, जैसे यहाँ पे दिया है 1/10 1/10 तो माइनस कर देते, बट यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. तो अब पहले देखो गोपी का कितना शेयर है, वो कितना लेकर आ रहा है 1/6. अब उसने इक्वली लिया है तो मतलब कि 1/2, यहाँ पे कितना आ गया इसका 1/12 आ गया. सो देखो इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/6 है, शेयर्स एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम 1/2 into 1/6. अब आपको पता लगा यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में रेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे आपको एक्चुअल में दिया हुआ है ना 1/10 1/10, वैसे ही आपको गोपी के लिए यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है कि इक्वली लिया है, बट एक्चुअल में शेयर नहीं बताया. तो वो एक्चुअल में शेयर ये वाली चीज़ पता करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे, जो गोपी का शेयर है 1/6 into 1/2 करोगे. सो आंसर इज 1/12. अब 1/12 को डायरेक्टली क्या करना है आपको, माइनस कर देना है, जैसे हमने पहले किया था. पहले वाला केस आपको ऑलरेडी याद होगा, जब हमने यहाँ पे किया था कि 5/8 जो आपका ओल्ड रेशो शेयर थी ए की, उसमें से हमने माइनस कर दिया था 1/10 डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन था. बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो हमने ऑलरेडी गिवन करने के लिए मल्टीप्लाई किया 1/6 into 1/2, आंसर इज 1/12, एंड 1/12 को माइनस किया फिर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है राम की, 7/12. सो 7/12 minus 1/12, आंसर इज 6/12. एंड ऐसे ही आपको शाम की निकालनी है, 5/12 minus 1/12, आंसर इज 4/12. और जो गोपी है उसने एक्वायर दोनों से कितना कितना किया है, 1/12 plus 1/12. सो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 1/6 आ गया. अब क्या करना है, वही सेम केस, इनका डिनोमिनेटर को इक्वल करना है. सो आंसर इज 3:2:1 फाइनली इज द राइट आंसर. तो अभी तक हमने जस्ट दो केस किए हैं, एक तो आपका सिंपल केस है जहाँ पे कुछ भी नहीं एक्वायर लिखा हुआ, और एक आपका सिंपल केस था जहाँ पे आपको एक्वायर लिखा हुआ था और एक्चुअल में रेट बताया हुआ था एक केस में, और जहाँ पे आपको एक्वायर लिखा हुआ है बट एक्चुअल में आपको रेट नहीं बताया हुआ, तो पहले आपको रेट पता करने के लिए मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद माइनस कर दिया. अब थर्ड इलस्ट्रेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसमें है सुरेश एंड रमेश एक पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन 5:3. ठीक है, अब इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 5:3. उसके बाद 1/4/2003 को एक एडमिट हुआ दीपक एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर. अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है. पहले तो एक दीपक ऐड हुआ जिसका केस था ओनली 1/4, आगे उसने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में, दीपक के बारे में. तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि आपको जस्ट एक लाइन बोली हुई है, तो क्या करना है, वही रूल अप्लाई करना है, 1 minus 1/4, आंसर कितना आ गया, 3/4. और अब क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है सुरेश की, 5/8, और उसका आंसर कितना आया था, 3/4. तो मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, 8 4
32. ऐसे आपको रामेश रमेश का भी निकालना है, तो 3/8 × 3/4, सो यहाँ पे कितना आ गया 9/32. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ उसका सोल्यूशन भी. ये देखो यहाँ पे शेयर कितना है दीपक का, 1/4. टोटल प्रॉफिट आपको अज्यूम करना है, जैसे हमारा फर्स्ट केस था ना जहाँ पे हमने लेट प्रॉफिट बाय वन लिया था, वो केस है, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे कुछ भी नहीं बोला हुआ है एक्वायर का एंड ऑल. तो इसलिए अब यहाँ पे क्या किया, 3/4 आ गया, और 3/4 को मल्टीप्लाई किया जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया. तो यहाँ पे 15/12 आ गया, 15/32 और 9/32, और दीपक का ऑलरेडी आपको शेयर पता है 1/4, तो अब इनका डिनोमिनेटर सेम कर लोगे और आज का आ जाएगा. अब देखो सेकंड केस कितना है. अब यहाँ तक तो ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई, उसके आगे चलते हैं. ऑन 31 July 2003 को करण एक एडमिट होता है एज अ न्यू पार्टनर, और वो अपने साथ लेकर आता है 1/6 शेयर एक्वायर इक्वली. देखो वो कौन सा केस है, अब ये खुद ही करना आप, एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश एंड दीपक. अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में रेट नहीं बताया हुआ, जैसे आपको यहाँ पे एक्चुअल में रेट बताया हुआ था ना कि एक्वायर इक्वली, ये वाला केस है जहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा ध्यान से देखना, वहाँ पे तो आपके दो पार्टनर्स है सुरेश एंड, वहाँ पे सिर्फ दो पार्टनर्स, इसलिए आपने 1/2 से किया था. यहाँ पे आपके तीन पार्टनर्स हो गए, एक तो सुरेश एंड रमेश तो हो ही गए और दीपक भी ऐड है, सो 1/3 हुआ ना. तो 1/6 जो आपका करण एज अ लेकर आ रहा है शेयर, करण जो है न्यू पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग 1/6 लेकर आ रहा है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से. तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 1/18. अब 1/18 जो आया है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमने अभी निकाली थी, नई वाली करंटली निकाली है ना ये वाली, इसमें से माइनस करना पड़ेगा. सो 15/32 में से माइनस करना पड़ेगा आपको डायरेक्टली जो आपने अभी तक केस निकाला 1/18. अब 1/18 आपको समझ में आया होगा कैसे निकाला, एक्वायर्स इक्वली बोला था ना, सो 1/3 × 1/6 आ जाएगा. तो अब सिंपल केस है ये, आप देख लेना इसको, और ये आपके PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम से. मैं आपको जस्ट वो क्वेश्चन बता रही हूँ जो आने के चांसेस हैं. तो ये आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में से क्वेश्चंस हैं. तो ये आपका हो गया एक्वायर वाला केस जहाँ पे आपको एक्चुअल में रेट बताया भी होता है और जहाँ पे आपको नहीं बताया होता, और एक सिंपल केस था. ठीक है, अगली इलस्ट्रेशन देख लो, इलस्ट्रेशन 4. यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ए एंड बी एक पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3. ठीक है, यहाँ तक सिंपल है, एक 7:3 का आपको पार्टनर का दिया हुआ है रेशो. अब सी एडमिट हो रहा है शेयर इन द प्रॉफिट विच इट टुक. अब यहाँ पे न्यू वर्ड है टुक, 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी. अब यहाँ पे क्या करना है आपको एग्जैक्ट में बताया हुआ है. तो सेम केस है एक्वायर वाला जहाँ पे आपको रेट बताया हुआ था और आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया था. तो 7/10 जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए का, उसमें से माइनस कर दोगे जितना उसने दिया, 2/7 माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 29/70. ये तो आ गया ए का प्रॉफिट. देन बी का भी सेम करोगे, बी का कितनी है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3/10, और बी से कितना लिया है 1/7, तो आप माइनस कर दोगे 3/10 − 1/7, तो आंसर इज 11/70. अब सी का कितना शेयर हो गया जो उन्होंने एक्वायर किया था, वो वाला शेयर नहीं होता ये वाला जो आपको ऑलरेडी दिया होता है, ये वाला शेयर होता है, इनको प्लस करना होता है. तो 2/7 + 1/7, सो आंसर इज 3/7, एंड देन इनके LCM को आप इक्वल कर लोगे तो आपका ये वाली होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब थोड़ा आगे चलते हैं, सेकेंड केस देख लो. यहाँ पे है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:5. ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस हुआ कि राम एंड श्याम है वो दो पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो है 7:5. अब ये बोल रहा है कि मोहन एडमिट हुआ है एक पार्टनर 1/6 शेयर से, और उसने क्या किया डायरेक्टली 1/24 जो है राम से लिया और 1/8 किससे लिया, श्याम से लिया. तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता करनी है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका 7/12 जो है ओल्ड रेशो है राम का, आपको डायरेक्टली माइनस कर दोगे 1/24, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना रेशो उसने, कितना जो उसने शेयर है वो उसने सरेंडर किया है. सो 7/12 में से आप माइनस कर दोगे 1/24 जो राम का पार्ट था, और ऐसे ही आपको जो श्याम है 5/24 उसमें से आप 1/8 माइनस कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 13/24 एंड 7/24. और मोहन का कितना शेयर बनता है, इनको ऐड कर दोगे आप किसको, यहाँ पे देखो मोहन का शेयर कितना हो गया 1/6 जो है और 4/24, या तो आप इसको ले लो या इसको, बट हम वही करेंगे जो हमारा ओल्ड है कि 1/24 + 1/8 कर देंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप LCM लोगे 24/8 आपका आ गया 4/24. ठीक है, तो 4/24 ही लोगे आप, वो वाला नहीं लोगे. ठीक है, ये वाला नहीं लोगे जो उन्होंने लिया है उसको ऐड कर दोगे. सो यहाँ पे आ गया आपका 4/24, और क्या करना है सबको LCM लेना है 13/24, 7/24 एंड 4/24. सो आंसर इज 13
7 and 4 इज द राइट आंसर. ठीक है, ये आपको तीन केस मैंने अभी बताया, एक तो सिंपल है जो आपका वन वाला फॉर्मूला है, एक आपका एक्वायर वाला फॉर्मूला है जिसमें आपको डायरेक्टली बताया होता है, और एक में जहाँ आपको नहीं बताया होता है वहाँ पे कैसे आपको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, और एक आपका केस ये हो गया टुक वाला. अब आ जाओ फिफ्थ इलस्ट्रेशन पे, जहाँ पे आपको एक्वायर वाला केस है. अब ये तो बहुत सिंपल है, ए एंड बी एन एंड सी है, वो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:3:2 एंड दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 4:7 प्रॉफिट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल केस है, ए बी एंड सी है, उनकी रेशो आपको दी हुई है 3:3:2, और जो आपके पास जी है एज अ न्यू पार्टनर है वो अपने साथ लेकर आया 4:7, और डी ने एक्वायर किया. अब देखो एक्वायर वाला केस है, और वो भी आपको डायरेक्टली आंसर बताया हुआ है कि कितना कितना, तो क्या करना है जो ओल्ड रेशो है ए की उसमें से माइनस कर देना है जितना उसने एक्वायर किया 2:7, सो आंसर इज 5:56. ऐसे ही बी का निकालना है, ऐसे सी का निकालना है, और डी का क्या होगा 2:7 + 1:7 + 1:7 जितना उसने एक्वायर किया है, सो आंसर आज 4:7. फिर इनके एलसीएम जो आपका डिनोमिनेटर उनको इक्वल कर दोगे और आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी. बहुत सिंपल था. ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन है, आप देख लो. इसमें आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेवन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लो ये, क्योंकि इसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2. ओके, तो सी इज एडमिट फॉर 1/5 शेयर. अब आपको केसेस दिए हुए हैं तो आप कैसे कैसे करना है देख लो. सबसे पहले है सी गेट इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. तो अब यहाँ पे जब भी आपको ऐसा बोला जाए ना जहाँ पे आपको एग्जैक्ट रेट ना दिया हो तो वहाँ पे आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है. ये आप अपना पॉइंट माइंड में बिठा लो अच्छे से कि अगर ए एंड बी का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3/2 और सी का आपको बोला हुआ है कि 1/5 है, ठीक है शेयर, बट उसने एक्वायर किया है, गेट इट किया है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी से, तो अब क्या करोगे 1/5 जितने पार्टनर्स हैं, अब दो ही पार्टनर है तो आप ऑब्वियसली 1/2 ही करोगे, अगर 3 होते तो 1/3 करते, अगर 4 होते तो 1/4 करते. तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जितना उसका शेयर है 1/5 का शेयर है सी का, तो उसने एक्वायर इक्वली किया है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 1/10 आया. अब क्या करोगे, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए का 3/5 उसमें से 1/10 माइनस कर दोगे, और ऐसे बी के लिए भी क्या करोगे 2/5 - 1/10 कर दोगे. सो यहाँ पे आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी ए और बी की, जैसे इसमें आई हुई है. देखो इफ सी गेट इज इक्वली देन उसके बाद शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम एट 1/2 × 1/5 देन आंसर इज 1/10 एंड ऐसे बी के लिए 1/10 देन माइनस कर दोगे सो आंसर इज 5/10 and 3/10 एंड सी का शेयर कितना हो गया 1/2 + 1/2 सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2. सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो अब यहाँ सॉरी 1/10 and 1/10 होगा क्योंकि जो मल्टीप्लाई करके आया वो होगा. सो यहाँ पे 10 LCM आ गया और 1/1 then 2/10 एंड आंसर इज 1/5. सो आपका ये पार्टनर आ गया एंड देन उसके बाद इनको डिनोमिनेटर करके आंसर आ जाएगा. सेकंड केस देखो, सी गेट इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो. अब आपको यहाँ पे रेशोज में बताया हुआ है कि कितना उसने लिया है, तो क्या करोगे, जो ए का ओल्ड शेयर है 3/5 उसको मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से. अब 2/3 आप बोलोगे कहाँ से आया, रेशो देखो 2:1 सो 2/3 आया ना ए का, और बी का कितना हुआ 1/3. सो अब क्या करना है, जो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5 जो है उसमें से आप मल्टीप्लाई करोगे पहले 2/3 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 × 6 and 5 × 15 सो 6/15 को आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे ए के शेयर में से, 3/5 - 6/15 देख लो आप चाहे यहीं पे. ये देखो अब यहाँ पे आ गया आपका 2/3 × 1/5 and 1/3 × 1/5 जो उनका शेयर था, देन उसके बाद अब माइनस कर दोगे सो 2 × 1 2 हो जाएगा, 3 यहाँ यस 2/1 हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा. सो आप माइनस कर दोगे, सेम केस है बट यहाँ पे आपको बस बोल रहा था कि इक्वल करते थे ना, यहाँ पे आपको रेशो बता दी, बस ये फ़र्क है इसमें. देन थर्ड इज सी गेट इट इक्वली फ्रॉम ए. अब ये केस कैसे करना है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली बोला है कि सी का जितना भी शेयर है ना वो सारा ही ए से लिया है. अब ए की ओल्ड शेयर कितनी है 3/5 और उसने सी को कितना पूरा उसका कितना शेयर है 1/5, तो आप माइनस डायरेक्टली कर दो सो आंसर कितना आ गया 2/5. सो ये क्या हो गई, ए की न्यू रेशो होगी बट बी पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बी से उसने कुछ नहीं लिया. ऐसे आप फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस है सी गेट इट होली फ्रॉम बी. अब सी का केस, सी का कितना शेयर है 1/5 और बी का कितना शेयर है 2/5, सो 2/5 में से आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे 1/5 जो सी का केस है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 1/5. तो अब ये रेशो होगी बी की और ए पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ए की वैसी ओल्ड रहेगी 3/5 और जो बी है उसकी केस हो जाएगी 1/5 और इसका तो 1/5 था ही.
ठीक है, तो ऐसे इसका केस होगा जो डी का केस है, 3:1:1 इज द राइट आंसर. ठीक है, और लास्ट वाला आप खुद करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली बोला हुआ है कि सी गेट इट 320 फ्रॉम ए एंड 820 फ्रॉम बी, तो कुछ भी नहीं करना है, जो उनकी ओल्ड रेशो है उसमें से माइनस कर दोगे 3/20 एंड 2/5 में से माइनस कर दोगे 1/20, तो आपका आंसर आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट सेकंड लास्ट देख लो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड ए जो है एक न्यू पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है एक न्यू पार्टनर और ए ने सरेंडर किया है. यस, ये न्यू केस है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यू सरेंडर. अब देखो आपने टुक वाला भी कर लिया, एक्वायर वाला भी कर लिया और सिंपल वाला भी कर लिया. अब अगर वर्ड आ जाए कि सरेंडर तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये क्या आ गया, बट ये भी सिंपल केस है. बट यहाँ पे ना आपको एक काम करना है, जहाँ पे आपको बोला हुआ है कि ए सरेंडर 1/5 शेयर. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे रेशो बताई होती या कुछ और बताया होता तो आप मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली माइनस कर देते. बट यहाँ पे आपको बोला है कि ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी एंड बी 2/5 शेयर इन रेशो ऑफ फेवर ऑफ सी. तो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप एक्वायर में पहले मल्टीप्लाई करते हो ना जब आपको एग्जैक्ट रेट नहीं पता होता, वैसे यहाँ पे करना है. जो ओल्ड रेशो है ए का 3/5 उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 1/5 से. ठीक है, ये देखो ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और ए ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ 3/5 इन फेवर ऑफ सी. तो अपना जो शेयर था ए का उसमें से उसने सरेंडर किया है 1/5 शेयर. तो अब कितना एग्जैक्ट किया है वो हम कैसे निकालेंगे, 1/5 जो उसका शेयर है और 3/5 जो ओल्ड शेयर है उसको मल्टीप्लाई करके. जब हम एक्वायर वाला केस करते थे जब हमें एग्जैक्ट रेट नहीं पता होता था, यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट रेट नहीं पता क्योंकि यहाँ पे उसने जस्ट बोला शेयर बोला है. तो जब शेयर बोला तो ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट रेट नहीं पता, तो हम पहले एग्जैक्ट रेट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके 3/25 एक आया है और ऐसे बी का निकालेंगे, बी का है 2/5 और उसका सरेंडर केस था 2/5. सो 2/5 × 2/5 आंसर इज 4/25. सो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे न्यू रेशो, जो उसका ए का ओल्ड रेशो था 3/5 उसमें से माइनस कर देंगे 3/25. सो 3/5 − 3/25 आंसर इज 12/25 इज द राइट आंसर जो न्यू रेशो है ए की. और ऐसे ही बी के निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशो कितना है 2/5 और उसने सरेंडर वाला पार्ट कितना था 4/25 जो मल्टीप्लाई करके आया था उसको आप कर दोगे माइनस, आंसर है 6/25. और सी का केस कितना होगा जो मल्टीप्लाई करके आया ना उसको ऐड कर दोगे 3/25 + 4/25 सो आंसर है 7/25. फिर इनके एलसीएम को आपको सेम कर लेना है. ठीक है, ये केस था सरेंडर वाला जहाँ पे आपको फिफ्थ शेयर HTH शेयर बोला है ना वहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है. लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको बोला है A and B are a partner in a firm sharing profit in the ratio of 7:3 and C is admit as a new partner. A sacrifice, अब आपको डायरेक्टली बोला है कि sacrifice, but 2/7 of his share, जहाँ पे आपको ये वर्ड बोला हो ना कि अपने शेयर में से उसने 2/7 दिया है तो वहाँ पे आपको हमेशा ही माइनस करना है, चाहे वो एक्वायर का केस हो, चाहे वो सरेंडर का केस हो, चाहे वो सेक्रीफाइस का केस हो. तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है. A का ओल्ड शेयर कितना है 7/10 और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/7, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो. तो 7×2=14 आ गया और 10×7=70, तो ये आ गया. अब क्या करना है, जो उसका ओल्ड रेशो है 7/10 उसमें से माइनस करना है जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर है उसको माइनस कर दोगे एंड देन इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा. तो यही केस थे जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से आया है. तो प्लीज़ आप इसकी PDF ज़रूर ले लेना क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स के लिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो. अगर आपने अभी तक रेशो नहीं किया है बिल्कुल भी, तो अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ो मत क्योंकि सीरियसली बहुत सिंपल है और हमेशा ज़्यादा चांसेस सिंपल वाले केस के आते हैं. बट मैंने फिर भी आपको एक्वायर बता दिया, टुक बता दिया और सरेंडर बता दिया कि अगर ये वर्ड बताया हो और कहीं पर लिखा हो ऑफ हिज शेयर तो कैसे करना है. ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर ज़रूर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. थैंक यू.